हाँ दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं देवेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, यहाँ पर आज मेरे पास है एक आईफोन 7 प्लस, जिसमें फॉल्ट है कि कॉलिंग के टाइम पे जो आपका स्पीकर है वो हाइड हो जाता है, और बहुत सारी फॉल्ट है दोस्तों। तो मैं आपको पहले इसमें फॉल्ट दिखाता हूँ कि ऐसे फॉल्ट में क्या आप डायरेक्ट सोल्यूशन कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको हमने डायग्नोस किया और डायग्नोस करके हमने इसको बनाया है। तो सबसे पहले चलिए इसको मैं फॉल्ट बताता हूँ और इसको बनाएंगे आज इस वीडियो में, और आपको सीखने को मिलेगा। और वीडियो पूरा देखें क्योंकि आपको मैं इसका बहुत अच्छा सलूशन देने वाला हूँ जो एक प्रोफेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट देते हैं। अगर आप हमारे पास आएंगे सीखने को तो भी हम आपको यही सलूशन देंगे और इससे बेटर सलूशन आपको और सिखाएंगे। तो ये फ़ोन जो मेरे को आया है दोस्तों बनने के लिए आईफोन 7 प्लस, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले फ़ोन मेरा वर्किंग पे है, बट फॉल्ट ये जा रहा है कि जब हम वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं तो उसमें साउंड नहीं आ रहा है। वॉइस मेमो बना रहे हैं तो उसमें साउंड नहीं आ रहा है। माइक की बात करें तो साउंड नहीं आ रहा है, बट कॉलिंग के टाइम पे अगर हम स्पीकर हाइड हो जा रहा है हमारा, तो ये सारे जो फॉल्ट हैं ये आते कहाँ से हैं और ये बेसिकली क्या इनका एक कारण होता है, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर, अभी तो मेरी सिम नहीं लगी है इस पर, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक वॉइस मेमो अगर मैं इसमें बनाऊँ, जिसको हम रिकॉर्डिंग बोल सकते हैं, देखिए, तो इसमें जब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर कोई भी नया रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं होता है। प्लस अगर मैं वीडियो की बात करूं, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो यहाँ पर चालू हो गया है रिकॉर्ड होना। हेलो हेलो, ये देखिए जो वीडियो भी चालू हो रहा है रिकॉर्ड होना, उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही होगी जो कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो अब मैं इस वीडियो को देखता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर जो आपका स्पीकर का जो आइकन है वो हाइड है यहाँ पर। तो बेसिकली ये फॉल्ट दोस्तों ऑडियो आईसी से होता है, और ऑडियो आईसी में अगर मैं ये फॉल्ट की बात करूँ तो ये फॉल्ट कुछ पैडों के कारण, जो पैड मिस हो जाते हैं उनके कारण होता है। सो मैं आपको आज बहुत टेक्निकली बताऊंगा कि कौन से पैड से कौन सा फॉल्ट होता है, ताकि आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिले और ऐसे ही आप वीडियो से फ़ायदा लेते रहें। और अगर बेहतर सीखना है तो इस टेलीकॉम को ज्वाइन करें। और अभी मैं बैठा हूँ अपने घर की लैब में, और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको इस टेलीकॉम ज्वाइन करना है तो कॉल करो, क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा नया। तो चलिए बनाते हैं इस सर्किट को। तो आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम, और ये ऑफिशियल वीडियो जो हम अपनी लैब में बनाते हैं, जो हमें कुरियर आते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हमें आईफोन मिलते हैं, ये उसके वीडियो होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हम ये फ़ोन रिपेयर करके दिखा रहे हैं, ये आईफोन 7 प्लस है, और जिसमें फॉल्ट बहुत सारे होते हैं। वॉइस मेमो ना काम करना, जैसे मैंने आपको बताया, ऑडियो में वीडियोग्राफी करते समय वॉइस ना आना, माइक का नहीं काम करना, तो वेरियस काइंड ऑफ फॉल्ट यहाँ पर होते हैं। तो ये जो फॉल्ट होते हैं ये जनरली ऑडियो आईसी के होते हैं। आप देखिए यहाँ पे ऑडियो आईसी आपको हल्की ब्रेक भी दिखाई देगी, और ये ऑडियो आईसी यहाँ पे टूटी है, तो इसका अगर ये टूटी नहीं होती तो हम इसको ही रिबॉल करके लगा देते, बट क्योंकि ये टूटी हुई है तो हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर मैं सिल्वर टेप का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि उसके बगल में पावर आईसी होती है, और जितना अच्छा प्रोटेक्शन आप यूज़ करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। और आप यहाँ पर ये देखिए कि किस लेवल पे इस टेलीकॉम यहाँ पे काम करता है, और यही आप लेवल भी आप पा सकते हैं और आप भी कर सकते हैं, पर आपको यहाँ पर ज्वाइन करना होगा। और दोस्तों अगर आप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों काम करने की एक साथ सोच रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले एंड्रॉयड का कोर्स पूरा करें, उसके बाद मैं आईफोन करें। जो दोनों कोर्स पूरा करने के चक्कर में आप अपने नॉलेज का पूरा कबाड़ा मत करें, क्योंकि ये दोनों कोर्स एक साथ नहीं किया जा सकता। पहले आप एंड्रॉयड का कोर्स पूरा अच्छे से करें और फिर आप आईफोन का करें।
दोस्तों यहाँ पे ऑडियो ऐसी पेस्टेड नहीं होती है, तो उसको नॉर्मल तरीके से उठाया जा सकता है, पर अगर जो पेस्टेड होती है उसको हम सिर्फ और सिर्फ जो स्क्रैपर होते हैं उसी से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं गैप भी है जो माइंड ट्विजर है, हम इसलिए उसको उठा रहे हैं। देखिए हमने ऑडियो ऐसी यहाँ पर निकाल दी है। अब सबसे पहले आपको बॉलों को, जो ऊपर के बॉल बने हुए हैं उसको आपको डीसोल्डर करना है, मतलब उसको हटाना, उसको प्लेन करना है। आप डायरेक्ट देखिए, जैसे यहाँ पर मैं डायरेक्ट डीसोल्डर चला रहा हूँ तो वो नहीं चलाऊँगा, तो उसके बाद में पहले मैं उसको बॉलों को क्लीन करूँगा, उसके बाद में मैं डीसोल्डर वायर को यूज़ करूँगा। और जितना हो सकता है क्वालिटी वाला टूल्स यूज़ अगर आप करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो ये सारी गाइडेंस आपको इस्टेट टेलीकॉम में मिलेगी। आप जो हमारे का नंबर देख रहे हैं और जो हमारे भी बैचेस हैं, वहाँ पर आपको बैचेस में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट डी सोल्डर वायर का यूज़ करेंगे तो इसमें ये हो सकता है कि जो पैड हैं वो आपके निकल सकते हैं, हालांकि एनसी पैड जनरली ज़्यादातर निकल जाते हैं। आप देखिए कि हमने इतनी अच्छी तरीके से आईसी निकाली है कि इसके एनसी पैड भी नहीं निकला है, सारे पैड इसमें बने हुए हैं, नहीं तो जनरली इसके एनसी पैड भी निकल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमको ये चार माइक्रो जम्पर करना है, और चार माइक्रो जम्पर बेसिकली अगर ये नहीं करते हैं और सिर्फ आईसी बदल देते हैं तो होता ये है कि आपका एक दिन तो ऑडियो चलेगा, पर उसके बाद में फिर 2 दिन बाद ये ऑडियो वापस बंद हो जाएगा, क्योंकि जो उसके पैड होते हैं काफ़ी लूज़ होते हैं और हमको इस पैड को एक एक्सटर्नल वायर देना पड़ता है जिसको माइक्रो जम्पर कहते हैं। तो ये देखिए हमारी क्लीनिंग यहाँ पर प्रोसेस हो रही है। अब इसके बाद हम इस पर माइक्रो जम्पर ही करेंगे। देखिए क्लीनिंग डन हो चुकी है, अब माइक्रो जम्पर की हमारी बारी है। तो जो पैड हैं वो कंपोनेंट के कनेक्टेड हैं, जो सबसे पहला जो तीसरे जो चौथे नंबर का पैड है आप देख रहे होंगे, तीसरे नंबर का जो पैड है वो कनेक्टेड है आपका एक रजिस्टर के साथ में, और उसके बाद में फिर कैपेसिटर, कैपेसिटर इस तरह से पैड कनेक्टेड है। तो मैं डायरेक्ट जो जम्पर है वो कंपोनेंट पे ही मारा है और डायरेक्ट पैड पे मार दिया, क्योंकि मेरा पैड निकला नहीं है। और अगर दोस्तों मेरा पैड निकला होता तो फिर मैं वहाँ पर गोल सी जलेबी जैसा बनाता। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसलिए घिसा है ताकि वो पैड इस लाइन के साथ भी टच हो जाए। तो ये सबसे पहले हमने एक माइक्रो जम्पर के लिए जो सरफेस लेयर है उसको हमने स्क्रैच कर लिया है। और दोस्तों इसको आपको स्क्रैच करना है, इसके लिए आप जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लेड वो 11 नंबर की ब्लेड है, और यहाँ से मैं इसको यूज़ कर, आप एसर टेलीकॉम में आपको चिप लेवल पे ज्ञान मिलेगा, हम आपको यहाँ पर सर्किट लेवल पे ऑडियो सेक्शन और बहुत सारे जो सेक्शंस होते हैं वो हम आपको बताएंगे। और एसर टेलीकॉम में आपको सबसे ज़्यादा डे और सबसे ज़्यादा आपको टाइमिंग का यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों मैं एसर टेलीकॉम की अगर बात करूँ तो बहुत एक्सपीरियंस के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि टीचर यहाँ पे आप देख सकते हैं, एज मैं आपका हार्डवेयर सेक्शन अटेंड करता हूँ, पूरा हार्डवेयर का आपका नॉलेज डीपली लेवल पे जो दुकान लेवल पे काम आता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। और दोस्तों यहाँ पर हम स्टूडेंट के फ़ोन डायग्नोस करवाते हैं, एक एक फ़ोन जो वो लेकर आते हैं डायग्नोस करवाते हैं उनके फॉल्ट फाइंडिंग, और बहुत सरल तरीके से उनको बताते हैं। आईसी निकालना लगाना तो हम चौथे दिन में ही डन करा देते हैं, जिसमें सीपीयू, मेमसी और पावर, पर हमारे लिए आईसी निकालना लगाना दोस्तों बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है हमारे लिए सर्किट लेवल को जानना और सर्किट पे काम करना। इसलिए हमारा हर काम स्टेप टू स्टेप होता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट अपना पहले दिन पे ही सॉफ्टवेयर, ईएमसी सब चालू कर देते हैं, कभी सवेरे सॉफ्टवेयर पढ़ा रहे हैं तो कभी शाम को कुछ पढ़ा रहे हैं, तो उनका कोई सिस्टम नहीं होता है और स्टूडेंट कंफ्यूज होता है और पढ़ कुछ भी नहीं पाता है। पर हमारा यहाँ पर सिस्टम होता है बाकायदा, और हम हर चीज़ को लेकर चलते हैं, और हम जब तक एक चीज़ क्लियर नहीं हो हम दूसरी चीज़ को आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो ये बहुत सारी बेनिफिट होते हैं इसे टेलीकॉम में ज्वाइन करने के, और हमारे पास बैकअप स्टूडेंट के सपोर्ट, अब देख सकते हैं लाइव फेसबुक में जाकर, वहाँ पे आपको बैकअप स्टूडेंट का सपोर्ट में देखने को मिलेगा। अभी हमारे पास कल ही आप देखेंगे, कल की डेट अगर मैं आपको बताऊं तो कल 8 तारीख की डेट में, आप कल 10 तारीख की डेट में आप जाके देखेंगे फेसबुक में, तो हमारा जो एक वीडियो डला हुआ है लाइव, उसमें हमारे कुछ बैकअप स्टूडेंट आए हुए हैं, और जो जिन जिन को जो जो फॉल्ट है वो फॉल्ट को क्लियर वो करने आए हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम स्टूडेंट को बेहतर सोल्यूशन, बेहतर टेक्निक के साथ में और अच्छा एक्सपीरियंस देते देते हैं, और यहाँ तक कि आपको दुकान खोलते समय क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कौन से टूल्स आपके लिए ज़रूरत है, क्या आपका बजट होना चाहिए, सारे मैनेजमेंट भी हम उनके लिए बताते हैं, और उनके टूलों की व्यवस्था भी बहुत अच्छी तरीके से हम करते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी एसर टेलीकॉम में, जहाँ आप आ सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है तो नीचे दिए 2 नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका कॉल नहीं उठाया जा रहा है तो आप व्हाट्सअप कर लीजिए और उसके बाद फिर कॉल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे को कॉल बहुत ज़्यादा आते हैं, और इसी कारण यहाँ पर, यहाँ पे हमें कॉल बहुत ज़्यादा आते हैं, और इसी कारण हमारे
बेसिकली कॉलों का थोड़ा बिजी हो सकते हैं, और अभी हमारे पास में अगले महीने का बैच फ्री है, आप चाहें तो अगले महीने आ सकते हैं, और अगले महीने आकर आप हमारे एशिया टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। आऊँगा जेड एक्स डब्ल्यू से, मैं आपको सिखाऊंगा जे सी आई डी, जिन जाओ, और बहुत सारे टूल्स होते हैं जो आईफोन में जरूरी होते हैं। डायरेक्ट सोल्यूशंस मैं आपको यहाँ पे दूंगा। आईसी रिबॉल करना, पेस्टेड आईसी को रिमूव करना, यू2 जैसी छोटी छोटी आईसियाँ, या तो बात करें आईफोन में सबसे छोटी आईसी से लाइट आईसी को निकालना लगाना, ये हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो और इसके अंदर के फॉल्ट हम देखेंगे, तो उसके सर्किट सप्लाई हम जानेंगे कि कभी भी अगर आपको लाइट का कोई फॉल्ट आता है तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। कोर्स में आपको जो रहना और खाना रहता है आईफोन ट्रेनिंग की कोर्स में, वो आपको अलग होगा, और बहुत ही मिनिमम चार्जेस में रहना खाना आपको यहाँ पर लगेगा। और उसके अलावा ये 6 दिन का एक कोर्सेस होगा दोस्तों, जिसमें हम एक आपको लाइव बोर्ड भी देंगे अपने आपकी ट्रेनिंग के लिए, जैसे iPhone 6 का एक देंगे, iPhone 7 का एक देंगे, और उसके ऊपर हम आपको काम करने के लिए, और दोस्तों उसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल काम। तो आपको एसर टेलीकॉम में आपने देखे होंगे बहुत सारे वीडियो जो हमने प्रैक्टिकली खुद बनाए हुए हैं, और आपको ये देख के समझ में आया होगा, क्योंकि दोस्तों हम बहुत टाइम से आईफोन पे काम कर रहे हैं, और बहुत सारे इंडिया में इंस्टीट्यूट हैं जो अभी नए नए खुले हैं, जो ट्रेनिंग लेकर जो इंस्टीट्यूट खोल के चला रहे हैं, जिनको अभी टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो थोड़ा सा आपको देख कर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि कम फीस के कारण आप कहीं चले जाओ, पता चलो फिर वहाँ पर आप सीख ना पाओ, और फिर आपके साथ फिर आपको लगे कि धोखा हुआ है। तो ये चीज़ होती है, क्योंकि ये फैसला भी आप ही का होता है कि आप उधर को, आप एक ऐसी जगह से चुन रहे हो जो ऑलरेडी कम फीस के साथ पढ़ा रहा है, कम सोर्सेज के साथ पढ़ा रहा है, रिसोर्स उसके पढ़ाने के मटेरियल है, उसके पढ़ाने का नॉलेज कितना है, वो सब आप बिना जाने से एक खाली एक सेटअप देख कर अगर आप जाएंगे तो हो सकता है कि आप वहाँ सीख नहीं पाए। और हम क्योंकि ऑलरेडी बहुत 6 सालों से ऊपर हमारा, तो हम ऑलरेडी 6 सालों से ऊपर का हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो एक बार ऐसा टेलीकॉम जरूर आए और अपना भविष्य बनाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ़ोन यहाँ पर हम ऑन कर रहे हैं अभी,
हमने यहाँ पर ऑडियो आईसी पे काम किया हुआ है। तो फोन हमारा ऑन हो चुका है। हेलो हेलो। तो देखिए यहाँ पर मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग चालू हो गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये मेरा वर्क सक्सेसफुली डन हो चुका है। और अगर मैं कैमरे में वीडियो की बात करूँ, यहाँ पर ये देखिए मेरा वीडियो यहाँ पर चल रहा है, आप देख सकते हैं। हेलो हेलो। और ये देखिए यहाँ पर जैसे कि आप पहले देख रहे थे कि ये एनेबल नहीं था, देखिए आवाज़ भी आना चालू हो गई है। तो ये हमारा वर्क सक्सेसफुली डन हो गया है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको बताइएगा ज़रूर। ये बताया मैंने आपको iPhone 7 Plus पर, और ये जो फॉल्ट है एक कॉमन फॉल्ट है। अगर ये फॉल्ट आपको आता है तो आपको बेसिकली, जैसे मैंने यहाँ पे चार जंपर माइक्रो जंपर किए हैं एक आईसी के अंदर, तो अगर आपको डीपली में सीखना है कि जंपर कौन से हैं और ये जंपर क्यों किए जाते हैं, या चार क्यों हैं, तीन क्यों नहीं, एक क्यों नहीं, दो क्यों नहीं, तो आप इसके लिए हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन कीजिए इसे टेलीकॉम। और दोस्तों बेहतर ये होगा अगर आप आईफोन और एंड्रॉयड दोनों ही ज्वाइन करना चाहते हैं, तो पहले आप एंड्रॉयड पूरा कोर्स अपना अटेंड कीजिए, उसके बाद आईफोन। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपको इतना बेहतर समझ में आएगा और आप बिल्कुल बोलेंगे कि सर आपने बिल्कुल सही कहा था कि मैंने पहले एंड्रॉयड किया फिर आईफोन। दोनों ही कोर्स एक साथ कभी मत कीजिए दोस्तों, ये सक्सेस ही नहीं है। आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ रहेंगे यहाँ पर ज़िंदगी भर। तो ये आपका यहाँ पर ये डन हो चुका है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। ये सारी चीज की ये आपने किया, सारे स्टूडेंट ने की, सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल डेकर किया मैंने, ओपनिंग क्लीनिंग और रिबॉलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपसे क्या करवाया? सिर्फ डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। आप मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर। डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू। और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल। प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता। आज आपने क्या किया? डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? सर ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए बस? सर हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट Thank you, Doctor. Thank you.